3 फुट हाइट है इस एक्टर की, पर एक्टिंग ऐसे करते हैं कि अच्छी हाइट वाले एक्टर को भी पीछे छोड़ दें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर के गोस्वामी की, जो कि बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर हैं और इतनी कमाल की एक्टिंग और कॉमेडी करते हैं कि पर्दे पर इन्हें देखते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, पर शायद ही आप इनकी फैमिली के बारे में जानते होंगे कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनकी फैमिली में कौन कौन है, वो क्या करते हैं और किस तरह से इन्होंने अपनी फैमिली से निकलकर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं इनके परिवार की इस फैमिली हिस्ट्री को बताकर। अगर आप भी इनके परिवार का इतिहास जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मशहूर अभिनेता के गोस्वामी मुजफ्फरनगर के किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके माता पिता किसान थे और ये इनकी इकलौती संतान है, पर इनके माता पिता की कोई तस्वीर नहीं है और न ही इससे कुछ ज्यादा जानकारी है। वहीं बात करें इस फैमिली के स्टार के गोस्वामी के बारे में, तो इनका जन्म 3 सितंबर 1973 को मुजफ्फरनगर यूपी में हुआ और वहीं से इनकी सारी पढ़ाई कंप्लीट हुई। अगर बात करें इनके स्ट्रगलिंग करियर के बारे में, तो इन्हें बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी, इसीलिए तो ये अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर अपने सपने को सच करने के लिए निकल पड़े। पर घर से बॉलीवुड तक के सफर में इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। जब वो मुंबई एक एक्टर बनने का सपना लेकर पहुंचे, तभी से इनका स्ट्रगलिंग करियर शुरू हो गया। इन्हें अपने पहले ही फिल्म पाने के लिए 8 साल लगे, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिल्मों में ऑडिशन देने चालू रखे और आखिरकार इन्हें अभिनय की पहचान डायरेक्टर अमित सूर्यवंशी ने कर ली और इन्हें अपनी बी ग्रेड फिल्म कमसीन मूवी में एक अहम रोल दिया, जिसके बाद उसी साल शक्तिमान शो से टीवी पर इन्होंने कदम रखा और विकराल घबराल जैसे टीवी शोज किए, साथ ही भूत अंकल और इश्क समंदर जैसी फिल्में की। इस तरह इन्होंने अपने टैलेंट से फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वहीं आज भी अपने अभिनय करियर को जारी रखे हुए हैं और हाल ही में आई फिल्म राम सिंह चार्ली में अभिनय करते नजर आए हैं। वहीं बात करें इनके हॉबीज के बारे में, तो आपको बता दें कि आपके फेवरेट अभिनेता को घूमना पसंद है। ये अक्सर अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर अपनी फैमिली के साथ घूमने जरूर जाते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के बाद अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें पिछले 37 सालों से इन्होंने एक ही लड़की से प्यार किया है और आज वो इनकी पत्नी है, जिनका नाम है पिंकू गोस्वामी, जिनसे ये अपने कॉलेज के दिनों में प्यार में पड़ गए और पिंकू को इनकी छोटी हाइट से भी कोई परेशानी नहीं थी। वहीं दोनों के परिवार वाले भी इस शादी के लिए राजी हो गए और आखिरकार दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी पत्नी की हाइट है 5 फुट और इनकी 3 फुट, पर बावजूद इसके दोनों के रिश्ते में कभी भी बीच में हाइट नहीं आई, बल्कि दोनों का प्यार गहरा हो गया। वहीं शादी के कुछ सालों बाद दोनों 2 बेटों के माता पिता बने। वर्तमान में इनके बड़े बेटे अब 15 साल के हैं और छोटे बेटे सौम्य 10 साल के, दोनों ही अभी छोटे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोस्वामी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करते हैं और इनका खूब ख्याल रखते हैं, खास तौर पर उनके खान पान और खेल कूद पर, ताकि इनके बच्चों की हाइट अच्छी हो और उन्हें वो परेशानी ना झेलनी पड़े जो इन्होंने जिंदगी भर सही। अब अंत में बात करते हैं के गोस्वामी की लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में, तो कभी एक रोटी खाकर गुजारा करने वाले ये अभिनेता आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। इनके पास 5 करोड़ का घर है और एक लग्जरी होटल भी, जो करीब 7 करोड़ का है। अब जब ये इतना कमाते हैं तो उसी हिसाब से अपने ऊपर भी काफी खर्च करते हैं। ये अपने डिजाइनर से ब्लेजर सूट बनवाते हैं जिसकी कीमत करीब 50,000 होती है और वहीं ये 20,000 वाले लुइस फिलिप्स ब्रांड के शूज पहनते हैं। साथ ही घूमने के लिए आज इनके पास होंडा अमेज जैसी कई महंगी ब्रांड की कार भी हैं। तो दोस्तों, आपको के गोस्वामी की फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।